बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं शामी शिकमपुर बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये काली मिर्च, ये लाल मिर्ची, ये हल्दी, ये नमक, ये दालचीनी, ये लहसुन, इलायची है पांच, ये पांच लौंग है, ये शाजीरा है, ये लाल मिर्ची है, ये दो टू स्पून चने की दाल है, दो नींबू है, दो डली प्याज है, छः सात हरी मिर्ची है, दो पुदीने हैं और एक कोतमीर है। और मैं ये पौन किलो गोश्त है, अच्छा साफ है। अब मैं ये शामी बनाने का तरीका आप लोग को बता रही हूँ। ये हरी मिर्ची और मैंने प्याज डाल दिया है। अब ये सूखी मिर्ची और चने की दाल, ये लहसुन, ये दालचीनी और ये गरम मसाला डाल दे रही हूँ। ये हल्दी, ये लाल मिर्ची डाल देंगे। अब ये जब अपन ग्राइंड करने से पहले नमक और काली मिर्ची ऐड कर लेंगे। अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको तीन से चार सीटी में आप बना सकते हैं। मैं अब इसको रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने चार सीटी हो चुके हैं। चार सीटी के बाद कुकर का ढक्कन निकाल रहे हैं। गोश्त पूरा गल चुका है, देखिए गल चुका है। अब ज़रा धीमी आंच पे ज़रा रखेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। धीमी आंच पे रख के थोड़ा पानी है वो सुखा लेंगे। वो सुखा लिए बाद अपन ग्राइंड कर लेंगे। के बाद अब ये को धनिया है, ये पुदीना है, अब मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ। अब वो नमक और काली मिर्ची,